नुह रेस्ट हाउस पर आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक रहीम सौरनी नुह प्रभारी ललित नगर पूर्व विधायक की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग बैठक की है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद मुख्य रूप से शामिल रहे। उनके साथ पुनाहना विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक सईदा खान, पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद, शहीद अडवर साहून एडवोकेट आदि मौजूद रहे। पर्यवेक्षक रहीम सौर ने कहा है कि नुह की तीनों विधानसभा क्षेत्र नुह पुनाहना प्रोचपुर झिरका के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक मंडल व सेक्टर कमेटियों का गठन का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस के निष्ठावान व समर्पित सिपाहियों को संगठन में तरजीह दी जाएगी। नौ प्रभारी व पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा है कि संगठन गठन के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। 16 अक्टूबर को पुनाहना, 17 अक्टूबर को प्रोजपुर झिरका और 18 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं के संग बैठक तावड़ू में होगी, जिसमें स्थानीय विधायक व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। सभी प्रदेश की टीमों में संगठन के स्तर पर कई नए पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। नए पदों में ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। रायपुर शिविर में किए गए चिंतन के बाद आला अधिकारी आला कमान ने यह बदलाव करने का फैसला सभी प्रदेश के लिए लिया गया था। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया की देखरेख में संगठन ये कार्य तेजी से कर रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा है कि हर विधानसभा को कई ब्लॉक, सेक्टर व मंडलों में बांटकर नए पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद के मुताबिक सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। मेहनती व लगनशील कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी देकर आगामी चुनावों की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। पार्टी अब चुनावी मूड में प्रदेश में कार्य कर रही है। इस दौरान कांग्रेस की सभी इकाइयों के जिम्मेदारी सदस्य मौजूद थे। आप देख रहे हैं नुह मेवास से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अपने लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी के लिए प्रयासरत है, और उसी कड़ी में हमने अंतिम छोर तक, जहाँ तक बूथ से लेके और जो कांग्रेस में रायपुर अधिवेशन में एक फैसला हुआ था कि हमने मंडलम का गठन करना है और मंडलम के नीचे सेक्टर का गठन करना है, क्योंकि कांग्रेस की पहले थी बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और उसके साथ साथ फिर पीसीसी कमेटी। उसके में दो जो कड़ी जोड़ी गई थी वो मंडलम और सेक्टर कमेटी थी, जिनका गठन करने के लिए रहीम सौरा साहब को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्री दीपक बाबरिया जी CWC मेंबर के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ नुह जिले की जिम्मेवारी दी गई है। हम पूर्ण तरीके से सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हम संगठन को किस तरीके से और मजबूती प्रदान दें और कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पद मिल सके पार्टी का, उसके लिए पूरी तरीके से इसमें गठन में पूरी अपनी सहभागिता निभाएंगे। और मेरा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि बढ़ चढ़ के आने वाली चुनौती को हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र और प्रजातंत्र को खतरा है, जिस तरीके से नफरत की राजनीति को पनपाने का काम कर रहा है, उसके लिए लड़ने के लिए कांग्रेस की एक विचारधारा है और उस विचारधारा को राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में हम उसका मुकाबला करें। इसी संदर्भ में संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता है और उसको हम कार्य को बहुत जल्दी पूरा करके अपनी अगली लोकसभा और विधानसभा की लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे कि प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक ताकतों की जीत हो। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी जो एक मैसेज लेके गए हैं लोगों को, दिलों को जोड़ने के लिए, वो उसके एक कड़ी के स्वरूप यहाँ हम नुह में आए हुए और नुह के अंदर जो कार्यकर्ताओं को बरसों से काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को 10 सेक्टर से एक मंडलम बनेगा, 3 या 5 मंडलम को मिला के एक ब्लॉक बनेगा। यानी कि हर एक विधानसभा तो है ही, विधानसभा में काम करने वाले कार्यकर्ता भी है, मगर उसकी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ एक कांग्रेस की पहचान है। हम उसको पहचान, वो पहचान है देंगे कि ब्लॉक अध्यक्ष के अंडर में सेक्टर अध्यक्ष आएंगे,
मंडलम अध्यक्ष आए गए और बूथ अध्यक्ष आए गए। हर एक बूथ के अंदर कम से कम, जैसे गुजरात के अंदर हमने वन बूथ टेन यूथ का एक कार्यक्रम चलाया था, वही कार्यक्रम हम यहाँ करने जा रहे हैं कि हर एक बूथ पे हमारे कांग्रेस के कम से कम 10 बंदे होने चाहिए, पछी 10 से 15 भी होए, 25 भी होए, मगर हर एक 10 15 का एक बूथ कमिटी बनेगी। हर एक 7 या 10 बूथ मिला के हम एक सेक्टर बनाएंगे, 3 या 5 सेक्टर मिला के एक मंडलम बनाएंगे, और हर 3, 5 या 7 मंडलम का एक ब्लॉक होगा। कुल मिला के हर एक विधानसभा में कम से कम 4 या 5 ब्लॉक बनेंगे, और ब्लॉक की कमेटी रहेगी, ऐसी ब्लॉक के अंडर में मंडलम की से कमेटी रहेगी, मंडलम के नीचे सेक्टर की कमेटी रहेगी, उसके अंडर में हर एक बूथ वाला जो बूथ अध्यक्ष है वो साथ सब मिला के उसकी भी एक कमेटी रहेगी। और ऐसे यानी कि एक डेल्टा की माफिक ऊपर से एक हमारा मैसेज अगर कोई देना है तो नीचे कार्यकर्ता तक हमारा मैसेज जाए, और हिंदुस्तान के अंदर जो आवाम के अंदर जो चल रहा है, जो काम करने की जो रीत है, उसको हम यहाँ नीचे कार्यकर्ता तक पहुँचाने के लिए ये संगठन करने जा रहे हैं। हमने कार्यकर्ताओं को, यहाँ के कार्यकर्ता तो है जो दिल से काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ को हमें 2 दिन से मुझे जानने मिला है। 8 दिन के पहले भी मैं आया था यहाँ, एक चक्कर लगा के मैं यहाँ से गया, तब भी हमें जानने मिला कि 9 जिला ऐसा है हरियाणा के अंदर कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर यहाँ वोटिंग हो रहा है, कांग्रेस के मानने वाले सबसे ज़्यादा यहाँ है। मगर वो क्या है कि वो एक छाप है कि वोटिंग हो रहा है, मगर उसके ऊपर कोई एक लेबल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर एक बंदा, उसके पास कोई ना कोई उसकी उसकी पहचान होनी चाहिए, उसके पास कोई आधार होना चाहिए कि मैं ये बूथ का अंदर बूथ अध्यक्ष हूँ, या बूथ का सेक्रेटरी हूँ, या बूथ का वाली हूँ, या तो सेक्टर मंडलम या ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, ये जो हमने पद वितरित करना है ये सभी कार्यकर्ताओं को आज हमने समझदारी दी है। ये पद समझ लो कि कोशिश तो हमारी ये है कि आने वाले 3 महीने में ये हम पहले सेक्टर का गठन कर लेंगे, सेक्टरों के बाद सेक्टर वालों को मिला के जो सेक्टर हर एक 3 या 5 या 10 सेक्टर मिलेंगे वो अपना मंडलम का गठन करेंगे, वही लोग 3 या 5 मंडलम मिला के वो लोग का गठन करेंगे। यानी कि जो कार्यकर्ता नीचे से शुरू होगा वो पहले से जो बात थी कि हमने किसी को नाम दे के बोल दिया कि तू अध्यक्ष हो गया, तू उपाध्यक्ष हो गया, ऐसे नहीं, ये नीचे से जो कार्यकर्ता मिलके अपना कमेटी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पूरी कमेटी बनाएंगे। जो भी कार्यकर्ता इसमें अंदर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, उपाध्यक्ष बनना चाहता है, कोषाध्यक्ष बनना चाहता है, उसके अंदर कोई भी सीनियर 2 लोगों का उसमें साइन होनी चाहिए, और उसको 2 सीनियर आदमी का उसमें जिम्मेदारी रहेगी कि ये बंदे कांग्रेसी है, दिल से कांग्रेस को चाहने वाला, इस तोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला है, ऐसे आदमी को हम ये संगठन